नमस्कार, आप देख रहे हैं एलडी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों हम पूरे देश में विरोध देख रहे हैं, प्रदर्शन देख रहे हैं, जनता का गुस्सा देख रहे हैं और ये सब देख रहे हैं सिर्फ एक वजह से, और वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जी हाँ, कैब को जब से यहां पर लागू किया गया है उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। कई जगह शांतिपूर्ण विरोध हो रहा है, कई जगह लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्हें शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के काम कर रहे हैं। ऐसे में बिहार की बात की जाए तो महागठबंधन की तरफ से एक दिन बिहार बंद का ऐलान किया गया था 19 तारीख को, लेकिन अब आरजेडी जो बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टी है उसने भी 21 दिसंबर यानी कल बिहार बंद का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो 21 दिसंबर को बिहार बंद करेंगे सीएए और एनआरसी के विरोध में। हालांकि ये भी सोचने वाली बात है कि इनमें से कितनों को पता है कि एनआरसी और सीए में फर्क क्या है। अब क्या फर्क है ये तेजस्वी साहब ही जानते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहां पर सीधे सीधे पुलिस से भिड़ गए। कहा यह गया है कि जिस तरीके से नीतीश सरकार को चेतावनी दी गई है, उन्होंने कहा कि अगर बिहार बंद के दौरान आरजेडी के किसी भी कार्यकर्ता पर कहीं भी पुलिस ने लाठी भांजी तो इसका अंजाम बुरा होगा। तेजस्वी की इस चेतावनी को एडीजी पुलिस मुख्यालय ने ओपन चैलेंज के तौर पर लिया है। सवाल यह है कि जब आप विरोध कर रहे हैं, जब आप सवाल कर रहे हैं सरकार से, तो इसमें लाठी बांधने जैसी क्या बात है? अगर विरोध शांतिपूर्ण होगा तो पुलिस हाथ क्यों लगाएगी? ये तो सवाल है। अब अगर आप इस तरह की चेतावनी देंगे कि कार्यकर्ता को कुछ भी हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा, यानी कि आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं और उसके बाद आप चेतावनी देते हैं, पुलिस किस लिए? पुलिस कानून व्यवस्था के लिए। हम यहां पर सरकार का पक्ष लेने या फिर विपक्ष पर निशाना साधने नहीं बैठे, हम यहां बैठे हैं सही और गलत को लेकर। ये मीडिया का काम है और शायद हमें अपना काम बेहतर आता है। सवाल यह भी है कि जिस तरीके की चीजें यहां पर हुई हैं, इसका जवाब में एडीजी जो है बिहार के, उनका कहना है जितेंद्र कुमार साहब का कि अगर बंद के दौरान कहीं भी उपद्रव फैलाने या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गुरुवार को बिहार बंद के दौरान भाकपा माले, जेपी और वीआईपी के कार्यकर्ताओं ने पटना से लेकर बिहार के दूसरे जिलों में जमकर उत्पात मचाया था, ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पहले खुलेआम चेतावनी दी है उसका जवाब बिहार पुलिस ने शानदार अंदाज में दिया है। लगातार यहां पर दो ही मुद्दे हैं इनको समझ में आ रहे हैं जो आरजेडी को हमने देखे हैं कि भैया नीतीश कुमार को घेरो, चाहे जहां मर्जी घेरो, अगर वो कहीं भी है, कभी लापता बता देते हैं, कभी उनको सांप बता देते हैं, कभी उनके पेट में दांत बता देते हैं, तो इस तरह की जुबानी जंग जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अब खुलकर सीएए और एनआरसी के विरोध में खड़े हो गए, अब कितनों को यहां पता है ये भी देखने वाली बात होगी, चाहे वो आरजेडी का कार्यकर्ता हो या किसी और अन्य राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, क्योंकि ये हमने यूपी में देखा है गुरुवार को, क्योंकि यूपी में जिस तरह की लखनऊ की घटना घटी है वहां पर कई ऐसे नेता थे जो पकड़ में आए। आखिरकार आप किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? हम हिंदुस्तान में बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, आप कहते हैं आप गरीब के लिए खड़े हो रहे हैं, आप लोगों सवर्णों की बात करते हैं, हर लोगों की बात करते हैं, लेकिन क्या यहां पर पुलिस को खुलेआम धमकी देना ये सही है? अंजाम बुरा होने का मतलब आखिर क्या होता है ये जनता समझ सकती है। अगर इन सभी चीजों में सत्ता की रोटी सेकनी है तो फिर इस बिल का विरोध करना बंद कर दीजिए जनाब। आखिर क्यों यहां पर आपको विरोध प्रदर्शन करना है? इसके लिए कोई मनाही नहीं है। विरोध प्रदर्शन कर्नाटक में भी हुआ, कर्नाटक की जनता क्या अलग थी? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वहां के लोगों ने इन चीजों को नहीं समझा? आखिर क्यों हम उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह की चीजें देख रहे हैं? ये समझ की बात है, ये सोच की बात है। ऐसा नहीं है कि जनता चाहती है कि वो उपद्रव मचाए या फिर इस तरह, लेकिन अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो ये बेहद शर्मनाक है। सवाल ये भी है कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने महागठबंधन से खुद को अलग करके 21 दिसंबर को आरजेडी की तरफ से जो बिहार बंद की जो बात कही है, या आखिर क्यों? क्या महागठबंधन में फूट है? क्योंकि आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव प्रचार है और इन चुनाव प्रचार में देखने को मिलने वाला है काफी ज्यादा कुछ। फिलहाल बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके में यहां पर एनआरसी और सीए के विरोध में यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। सवाल यह भी है कि आखिरकार कितने लोग इस बिल को समझ पाए? आखिर क्यों इस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिल रही?
इन सभी चीजों में हम बात करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। कई लोगों के मैं ट्वीट पढ़ रहा था, लालू साहब भी कहते हैं कि हमारा देश बर्बाद हो रहा है, देश हित में बात करनी चाहिए, देश को लेकर बात करनी चाहिए। तो भैया पुलिस भी तो हमारे देश की है, उन पुलिस वालों को आप किस तरह की चीजें कह रहे हैं कि अगर लाठी चार्ज, भैया आप अगर विरोध प्रदर्शन करेंगे आप कीजिए, लेकिन अगर आप पब्लिक की चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे कहीं से भी सही नहीं, चाहे वो आरजेडी का कार्यकर्ता हो, जेडीयू का हो, बीजेपी का हो या फिर किसी भी पार्टी का हो। सवाल ये है कि आखिरकार जब इस तरह की चीजें होती हैं तो क्या ये नेता ये समझ पाते हैं कि हम किसके खिलाफ कह रहे हैं, क्योंकि अंजाम में जनता ही घसीटी जाती है अल्टीमेटली। चाहे आप लखनऊ में देख लीजिए, जामिया में देख लीजिए, सीलमपुर में, दिल्ली में जो हुआ, ये सारी चीजें हैं जो समझने की बात है। अब इस समझ को जनता कितना समझेगी ये फिलहाल कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके की एक अलग तरीके का हम माहौल जो देख रहे हैं हमारे देश में वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। अब इस बिल को लेकर जिस तरीके की चीजें आई हैं सामने वो भी काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। अब देखना है कि बिहार बंद को लेकर किस तरह की चीजें हैं, लेकिन सिर्फ दो लाइन में कहना चाहूंगा, मैं अमन पसंद हूं, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मुझे लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। शायद यही वजह है कि हर हिंदुस्तानी अगर ये बात जान ले तो फिर इस तरह के विरोध प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल LD News को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।